वंस अगेन वेलकम गाइस, दिस निखिल दोआर एंड यू आर वाचिंग सेफ निखिल कंफर्ट फूड। और आज हम बनाएंगे क्रीमी बीटरूट सैलेड विच हैव अ लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। और अगर उसी रेसिपी में आप दो इंग्रेडिएंट और ऐड कर दो तो आपका सैलेड बन जाता है इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल सैलेड, जो कि है रशियन क्रीमी बीटरूट सैलेड। और वो दो इंग्रेडिएंट से वॉलनट और चॉप गार्लिक, अगर आप उसे भी ऐड करते तो आपका सैलेड बन जाता है रशियन क्रीमी बीटरूट सैलेड। तो चलिए शुरू करें। सो यहाँ पर हम करेंगे हमारे बीटरूट को कुक 40 से 50 मिनट के लिए, जब तक कि वो अच्छे से कुक ना हो जाए। सो वंस इट्स डन उसे करेंगे हम फिर ठंडा। यहाँ पर मैंने लिया एक मीडियम साइज ऑनियन और उसके छिलके को करेंगे हम रिमूव। और उसी के बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया है चारों तरफ से कट और इसे हम करेंगे फाइनली चॉप। और जैसे ही हमारा ऑनियन हो जाए फाइनली चॉप, उसी के बाद लेंगे हम बॉइल्ड बीट रूट और उसको दोनों तरफ से हम काट लेंगे। और उसी के बाद हम करेंगे उसे पील, साइड से हम इसे चारों तरफ से काट लेंगे जिससे कि एक प्रॉपर क्यूब शेप हमें मिले हमारे सैलेड के लिए। सो बीटरूट को यहाँ पर मैंने काट लिया है क्यूब्स में, अगर आप चाहो तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो या फिर कद्दूकस कर सकते हो। यहाँ पर एक बाउल में मैंने ऐड किया है 3 टेबलस्पून मेयोनीज। इंस्टेड ऑफ मेयोनीज अगर आप चाहो तो सॉल क्रीम और या फिर ग्रीक योगर्ट भी यूज कर सकते हो सेम रेशियो में। और यहाँ पर मैंने इसे किया है मिक्स। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे हम सॉल्ट 1/2 टीस्पून और एज पर द टेस्ट। और यहाँ पर किया है मैंने ऐड शुगर 1 टेबलस्पून और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। और उसी के बाद यहाँ पर हमने ऐड किया है विनेगर 1 टेबलस्पून और उसे भी करेंगे अच्छे से मिक्स। और फिर ऐड करेंगे हमारा चॉप ऑनियन और उसे भी करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और उसी के बाद हम ऐड करेंगे हमारा बॉइल्ड बीट रूट। यहाँ पर मैंने सारा बॉइल्ड बीट रूट ऐड कर दिया और उसे किया है अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम करेंगे उसे सर्व। हमारा सैलेड हम ट्रांसफर करेंगे हमारे सर्विंग बोल में। और गार्निश करेंगे विद सम फ्रेश कोरिएंडर एंड सम सेसेमे सीड। ट्राई वंस एट योर होम एंड एंजॉय विद योर फैमिली।